हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मल्टी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी शज़ैम के बारे में, उसके रिव्यूज़ के बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में। तो काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि शज़ैम अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली है, इस मूवी को देखना बनता है या नहीं, क्योंकि कुछ फैंस होते हैं डाई हार्ड जो कि मार्वल के फैंस हैं, बट उन्हें डीसी यूनिवर्स की मूवी भी देखना अच्छी लगती है। तो वंडर वूमन के बाद, एक्वामैन के बाद, मेरे हिसाब से आज का जो अपडेट है, तो आपकी ये थर्ड पर्सन मूवी होगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होने वाली है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे गए हैं। उसकी जो रेटिंग्स है वो 97% है, जो कि बहुत बड़ी बात है डीसी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने हमें निराश करा, पर हमें शज़ैम मूवी यानी कि पुराना ओल्ड कैप्टन मार्वल हमें निराश नहीं करने वाला है। तो शज़ैम को जो 90% रेटिंग मिली है वो बहुत बड़ी बात है डीसी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि एक्वामैन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और देन इस मूवी में काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं, यानी कि बैटमैन, सुपरमैन, एक्वामैन, फ्लैश, सबके। जी हाँ, क्योंकि शज़ैम एक काफ़ी अच्छी मूवी है और 97% रेटिंग मिली है, और 2 घंटे 10 मिनट की PG-13 कैटेगरी ये मूवी आपको अच्छी लगेगी बहुत ही ज़्यादा। तो वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा आपका, इस मूवी को थिएटर में देखने जाओ। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट शेयर करो। बंदे वीडियो नहीं देख रहे हो या तो उस पर जो करके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।